धन्वंतरी वैद्य मंडल होशियारपुर की ओर से भगवान श्री धन्वंतरी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयुर्वेद सम्मेलन सूद भवन हरियाणा रोड नलोइया चौक होशियारपुर में बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह से करवाया गया। इस अवसर पर पूर्व उद्योग मंत्री एवं होशियारपुर से विधायक सुंदर श्याम अरोड़ा सहित धन्वंतरी वैद्य मंडल के प्रदेश प्रधान वैद्य सुमन कुमार सूद, एसटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मेडिकल साइंस के डायरेक्टर हरीश कपूर, एसटी अस्पताल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष कपूर और हकीम तिलकराज अस्पताल के डॉक्टर नवनीत कपूर और एसटी नर्सिंग कॉलेज के एमडी अर्पित कपूर की ओर से जिला होशियारपुर के वरिष्ठ वैद्य पुरुषोत्तम को हकीम तिलकराज कपूर गोल्डन अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसटी अस्पताल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष कपूर के सभी वैद्यों को उनके सेंटर में आईयूआई, आईवीएफ और इक्सी के माध्यम से बांझपन की समस्या को दूर करने संबंधी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इन सभी तकनीकों के माध्यम से अब उनके सेंटर में बांझपन का उपचार किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस एवं सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान भी रखा गया। इस मौके पर प्रदेश प्रधान वैद्य सुमन कुमार सूद, प्रदेश सरपरस्त वैद्य पुरुषोत्तम दास शर्मा, प्रदेश उप सरपरस्त वैद्य हरिप ओम, प्रदेश चेयरमैन वैद्य राजेंद्र कौशल, प्रदेश सचिव वैद्य राकेश कुमार भार्गव, प्रदेश कोषाध्यक्ष वैद्य मुनीश शर्मा, उप चेयरमैन वैद्य रामजी, प्रदेश उप प्रधान वैद्य दीपक ठाकुर, प्रदेश जड़ी बूटी मंत्री वैद्य हरदेवल सिंह, जिला प्रधान वैद्य राजेश कुमार भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जो आज पंजाब का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, मैं सबसे पहले जितने भी हमारे वैद्य यहाँ आए हैं, मैं सबको उनके जन्म की और इसके निर्माता मैं कह सकता हूँ कि जिन्होंने ये चीज़ पैदा की, उनके जन्म के अवसर पर जो ये समागम कराया जा रहा है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे को काफ़ी बार यहाँ आने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा होशियारपुर है, पूरे पंजाब से ही वैद्य यहाँ आते हैं। हर बार मेरे को काफ़ी बार मौका मिला देखने का कि हमारे होशियारपुर में ये समागम किया जाता है। मैं समझता हूँ कि हम किस्मत वाले हैं कि ये होशियारपुर में होता है। बड़े बड़े डॉक्टर जो वैद्य हैं हमारे यहाँ आते हैं। तो एक समय था, आज हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, कोई भी प्राचीन जो हम देखते हैं, अपना जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें से हम देखते हैं तो जो इलाज होता था ये आयुर्वेदिक तरीके से ही होता था, जड़ी बूटी तरीके से ही होता था। हर साल की तरह इस साल भी सूद भवन होशियारपुर दे विच जड़ा हकीम तिलकराज कपूर गोल्डन अवार्ड जो साढ़े ग्रैंडफादर जी के नाम तो दिता जाता वह इस साल भी दिता गया। असी अवार्ड शुरू किया कि जड़े जिन्ने भी वैद ने हकीम ने उन्होंने उत्साह रवे, वो वधिया वधिया काम करन ताकि उन्होंने हर साल उम्मीद होवे कि शायद अवार्ड सानू मिले। और इस साल जड़ा अवार्ड है बहुत ही बजुर्ग बहुत ही एक्सपीरियंस जड़े वैद ने पुरशोत्तम लाल शर्मा जी उन्होंने दिता गया। यह सारा जड़ा अरेंजमेंट है सुमन सूद जी की अध्यक्षता दे विच करवाया जाता वै। और इस मौके पर जड़ा अवार्ड है वो श्री सुंदर श्याम अरोड़ा जी जो कि मंत्री भी रह चुके ने पंजाब दे और होशियारपुर के MLA ने उन्होंने साढ़े श्री हरीश कपूर जी फादर साहब के नाल मिल के उन्होंने दिता। और साड़ी यही कोशिश है कि आप टाइम टू टाइम इदा ही वधिया वधिया जड़े वैद हकीम ने उन्होंने अवार्ड दईए ताकि उन्होंने जरिए आयुर्वेद का डे बाय डे होर जड़ा वै प्रचार वधे। और नाल ही नाल मेरी एक होर भी गुजारिश है कि आयुर्वेद एक इन्नी प्राचीन पैथी है, सानू आने वाले टाइम दे विच अपने बच्चियां नू जरूर इहदी जिहड़ी शिक्षा वै देनी चाहीदी है। और घर तो ही आयुर्वेद जड़ा वै शुरू हुंदा वै, घर घर दे विच आयुर्वेद है। और साडा वैसे भी हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल का एको ही नारा वै, पहला सुख निरोगी काया
ते असी आप ए समझदे आ कि ए तो वड्डा सुख होर कुछ नहीं हैगा, सब तो पहला जिहड़ा सुख है वह निरोगी काया वै। सो गुरु महाराज सारिआं नूं निरोग रखन, सारिआं नूं तंदुरुस्त रखन, और तुसीं भी अपना जिहड़ा ध्यान रखो, अपनिआं जिहड़ीआं प्रॉब्लम्स ने उहनां नूं डिस्कस करो तां कि उहनां चीज़ां दा जिहड़ा हल है टाइम सिर हो सके। और अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और अपने समाज का ख्याल रखो।